हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ टाटा पंच में और आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो लेके आ गया हूँ। तो बहुत लोग का डाउट है कि टाटा पंच में जो एक्चुअली ये मैं बैठा हुआ हूँ टाटा पंच एडवेंचर प्लस रिदम पैक में, तो बहुत लोग का डाउट ये है कि इसकी लाइट की परफॉर्मेंस कैसी है। तो मौसम भी बहुत सही है भाई, फॉग है बीच बीच में बिल्कुल क्लियर है। मैं एक बार विंडो डाउन करके आपको दिखता हूँ, मौसम ऐसा है। तो इसमें क्या होगा कि हम लाइट की जो थ्रो है वो समझ में आएगी कहाँ तक जा रही है। तो अभी ये गाड़ी हमारी लो बीम पे चल रही है और बाहर में थोड़ा सा फॉग है। अभी हाई बीम पे हम करेंगे गाड़ी को और इसका थ्रो आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। मैं विंडो डाउन करके आप बाहर की तरफ से देखो कुछ ऐसा है। बट गाइस, इसको मैंने अभी सेटिंग पे लाइक जो हमें कंट्रोल मिला है उससे मैंने सेट कर रखा है। तो इसका हाई बीम पे थ्रो कुछ ऐसा है। मैं इसी में अभी फॉग की वीडियो भी आपको शो करने वाला हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहो। आप देख सकते हो थोड़ा सा, मीन्स मैं कहूँ तो यहाँ पे टाटा को इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है अपने लाइट में। बंदा 800,000 रुपये लगा रहा है, अब उसको प्रोजेक्टर, हेडलाइट और LED नहीं मिलेगी तो क्या ही करेगा। इस हाइलोजन का अब जवाना गया भाई। ये देखो अचानक से फॉग आ गया और आप देखो भाई, बहुत अच्छा रिस्पांस मैं कहूँगा नहीं है, जैसा एक बंदा एक्सपेक्ट करता है कि 800,000 की गाड़ी खरीद रहा है और उसको मिलेगा। ये इसकी जो हाई वेरिएंट है वो इससे भी महंगी है, उसमें प्रोजेक्टर है बट LED नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे हाई बीम लो बीम कंटिन्यू करके हम चल रहे हैं। आप इसका परफॉर्मेंस खुद ही चेक कर लो भाई, काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे एक ही वीडियो से। तो टाटा पंच की जो लाइट है अकॉर्डिंग टू मी, इसमें इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से तो इनको अपने कार में प्रोजेक्टर प्लस LED देना ही चाहिए, क्योंकि विंटर के टाइम में फॉग बहुत दिक्कत करता है। और जो और अदर्स गाड़ियां हैं उनकी जो लाइट आपके आँख पे डायरेक्ट पड़ती है, उस वजह से आपकी लाइट अगर कमज़ोर है तो आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरे को तो ऐसा लगता है, अब आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको क्या लगता है ये लाइट सही है। अगर आप टाटा पंच यूजर हैं तो आप बताएं कि ये लाइट सही है या इसमें इंक्रीमेंट या इन्हेंसमेंट की ज़रूरत है। देख सकते हैं आप, ये फॉग है, काफी फॉग था लाइक कि है भाई, फॉग में इशू है इसको इनक्रीज। मैं तो अभी अपनी हेडलाइट पूरी अपग्रेड कराने वाला हूँ, उसकी भी वीडियो चैनल पे आएगी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें कि जब भी वो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन जाए, आप देखें।